हेलो एवरीवन, टैली क्लास 4 में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और देखिए, जैसे कि पिछले तीन वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने कंपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में पूरा समझा, उसके बाद में फिर हम लोगों ने लेजर और ग्रुप को समझा, और उसके बाद इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि रिसीव्ड वाउचर का यूज़, पेमेंट वाउचर का यूज़, काउंट्रा वाउचर का यूज़ और जनरल वाउचर का यूज़ हम लोग किस किस प्रकार का ट्रांजेक्शन के लिए करेंगे। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चंस जो है उन्हीं वाउचरों के ऊपर में है। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें सिंपल, हम लोगों को एक कंपनी क्रिएट करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है क्रिएट ए कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको पता ही होगा कि आप लोगों को जाना है कंपनी इन्फो में, वहाँ से क्रिएट कंपनी का ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में आपका जो ये स्क्रीन खुलेगा जहाँ की सारा डिटेल देना है हम लोगों को कंपनी के बारे में, और इसको हम लोग फिर एक्सेप्ट करेंगे तो इस प्रकार से एक कंपनी हमारा बन जाएगा। कंपनी बनाने के बाद में अब जैसे कि ये पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए कंपनी स्टार्टेड विथ कैश कैपिटल ऑफ 7 लाख रुपीज़। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये जो ट्रांजेक्शन है इसका मतलब क्या है, ऑनर कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है अपना कंपनी शुरू करने के लिए। दैट मीन्स इस समय हम लोग ऑनर, हम लोग मतलब कंपनी ऑनर के द्वारा क्या कर रहा है, पैसा रिसीव कर रहा है। पैसा क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी कंपनी पैसा रिसीव करेगा, जब भी कंपनी पैसा रिसीव करेगा तो हम लोग रिसीव्ड वाउचर का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जिस प्रकार से ट्रांजेक्शन के लिए हम लोगों को वाउचर का यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोगों को कहाँ जाना पड़ता है, हम लोगों को जाना पड़ता है अकाउंटिंग वाउचर में। हम लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ेगा, और अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद में हम लोग F6 बटन प्रेस करेंगे, F6 बटन प्रेस करेंगे। तो ये जो रिसीव्ड वाउचर है जहाँ पे इस ट्रांजेक्शन का एंट्री करना हम लोगों को, ये अपीयर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी दिया हुआ रहता है रिसीव्ड, ठीक है, इसके आगे में इसका शॉर्टकट की रहता है, अगर आप माउस से भी क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये वाउचर आने के बाद में जैसा कि अभी कौन सा लेजर अफेक्टेड हो रहा है, कौन सा अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, एक आपका कैश अकाउंट और दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब जो ऑनर के द्वारा पैसा हम लोग ले रहे हैं उसके लिए हम लोग कौन सा शब्द यूज़ करते हैं, कैपिटल का। तो अभी यहाँ पे ऊपर में हम लोगों को कौन सा लेजर लेना है, कैश का। तो क्या कैश का लेजर आप क्रिएट करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि कैश का लेजर पहले से ही क्रिएटेड होता है, ये मैंने आपको लेजर एंड ग्रुप वाला वीडियो में बताया था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सी प्रेस करेंगे और लिस्ट ऑफ द लेजर अकाउंट में यहाँ पे कैश डिस्प्ले होगा, और इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और फिर इंटर प्रेस करेंगे, और फिर पर्टिकुलर के नीचे में जो स्पेस होता है ये आएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को एक लेजर देना होगा, कौन सा लेजर यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग एक्स वाई जेड कैपिटल का लेजर हम लोग बनाएंगे। कौन सा लेजर, एक्स वाई जेड कैपिटल का लेजर बनाएंगे। तो अभी लिस्ट ऑफ द लेजर अकाउंट में यहाँ पे लेजर डिस्प्ले नहीं होगा ये वाला, क्योंकि ये बना हुआ नहीं है। तो यहाँ से आपको अगर लेजर क्रिएशन में जाना है तो आपको अल्ट और सी बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही आप अल्ट सी बटन प्रेस करेंगे तो टैली आपको कहाँ ले जाएगा, आपको ले जाएगा लेजर क्रिएशन स्क्रीन में। कहाँ लेके जाएगा, लेजर क्रिएशन स्क्रीन में, और वहाँ पे जाके हम लेजर का नाम लिख देंगे एक्स वाई जेड कैपिटल, और इसके लिए ग्रुप क्या आएगा, इसके लिए ग्रुप आएगा कैपिटल अकाउंट का, जिसको हम लोग कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप यहाँ पे दिखाता है, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट का ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है ना, और इसको एक्सेप्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पे हमारा जो लेज़र है ये एक्स वाई जेड कैपिटल आ जाएगा, और अमाउंट को हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो एक एंट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एक एंट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, और इसके लिए कौन सा वाउचर, इसके लिए कौन सा वाउचर हम लोगों को सेलेक्ट करना है ये आप खुद बताइए। ठीक है ना,
खुद सोचिए, क्योंकि पहला वीडियो आप देखे हैं तो मतलब तीसरा वाला वीडियो अगर आप देखे हैं तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि ओपन ए बैंक अकाउंट इन SBI बैंक एंड डिपॉजिट 5 लाख रुपीज़। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कंपनी के पास कुछ कैश था, उस कैश में से वो कुछ बैंक में जमा कर दे रहा है। तो देखिए इसके लिए कौन सा दो लेजर अफेक्टेड हो रहा है, कैश और बैंक का। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी कैश और बैंक का लेजर अफेक्टेड होता है, मतलब इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, तो हम लोग काउंटरा वाउचर का यूज़ करते हैं। कौन सा वाउचर का यूज़ करते हैं हम लोग, काउंटरा वाउचर का। और काउंटरा वाउचर के लिए शॉर्टकट की क्या है, F4 है। काउंटरा वाउचर का शॉर्टकट की क्या है, F4 है। ठीक है, अब रहा सवाल कि ऊपर में हम कौन सा लेजर को सेलेक्ट करेंगे, तो उसका भी जवाब मैंने आपको दिया था कि पैसा जहाँ जा रहा है, जैसे अभी देखिए कंपनी का कैश अकाउंट से पैसा जा रहा है बैंक में, तो जहाँ पैसा जाएगा हम लोग उस लेजर को हम लोग ऊपर लिखेंगे, है ना। तो दैट मीन्स अभी हम लोग ऊपर में SBI बैंक का एक लेजर क्रिएट करेंगे और उसको ऊपर रखेंगे, क्योंकि SBI बैंक का लेजर क्रिएटेड नहीं है तो हम लोगों को क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के लिए सिंपल उसी तरह से आप अल्ट सी करिएगा, तो आप कहाँ जाएंगे, आप पहुँच जाएंगे लेजर क्रिएशन स्क्रीन में, और यहाँ जाके आप SBI बैंक का लेजर बनाएंगे, और ग्रुप जो रहेगा उसके लिए आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका लेजर क्रिएट हो जाएगा। और लेजर क्रिएट होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ठीक है, SBI बैंक का लेजर, और नीचे में फिर सी दबा के हम लोग कैश ले लेंगे। मतलब नीचे में कौन सा लेजर लिया जाता है, जहाँ से पैसा जा रहा है, कैश से जा रहा है बैंक, तो यहाँ पे हम लोग कैश का लेजर को सेलेक्ट करेंगे, देखिए इस तरह से, और जो अमाउंट होगा उसका सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे एंट्री कर देंगे, ठीक है, और फिर इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये दूसरा क्वेश्चन का भी एंट्री हम लोग सक्सेसफुली कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अमाउंट पेड फॉर द फॉलोइंग आइटम बाय बैंक पेमेंट, मतलब कि ये सारा सामान खरीदा जा रहा है और पैसा कहाँ से कट रहा है, बैंक से कट रहा है। क्या क्या खरीद रहे हैं हम लोग, हम लोग कंपनी बिल्डिंग खरीद रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर खरीद ले, हम लोग फिक्स एसेट प्रिंटर खरीद रहे, और ये सारा सामान जो है कंपनी का क्या है, प्रॉपर्टी है ना। और जो भी सामान होता है, प्रॉपर्टी होता है, ऐसा सामान जो 1 साल से ज़्यादा चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स बोलते हैं। दैट मीन्स ये सब का जो लेजर क्रिएट करेंगे इसके लिए हम लोग ग्रुप क्या लेंगे, फिक्स एसेट। और रहा बात इस क्वेश्चन का एंट्री हम लोग किस वाउचर में करेंगे, तो फिलहाल हम लोग कर क्या रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स कंपनी का जो कैश है, कंपनी के पास जो कैश अमाउंट है उससे कुछ पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, जिसके बदले में कुछ एसेट्स आ रहा है, आपका फिक्स एसेट्स आ रहा है, तो इसका एंट्री हम लोग पेमेंट वाउचर में करेंगे, ठीक है। अब पेमेंट वाउचर में यहाँ ऊपर में क्या होगा, देखिए पेमेंट हम लोग जहाँ से कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे देखिए मैं आपको गलत कर दिया हूँ, यहाँ पे कंपनी का कैश अकाउंट से ये पैसा नहीं जा रहा है, बैंक अकाउंट से जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, बैंक के अकाउंट से पैसा कट रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बैंक पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग कैश नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम लोग कहाँ क्या सेलेक्ट करेंगे, SBI बैंक, क्योंकि इस वक्त कंपनी के पास बैंक में जो खाता खुला हुआ है, अकाउंट खुला हुआ है, वो कौन सा बैंक का खुला हुआ है, SBI बैंक का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, SBI बैंक का सेलेक्ट करेंगे। अब इस वक्त देखिए हम लोग SBI बैंक का लेजर नहीं बनाए, क्योंकि इससे पिछले वाला वीडियो में, इससे पिछले वाला क्वेश्चन जो था उसमें हम लोगों ने SBI बैंक का लेजर बनाया था। तो जब भी लेजर अगर बना हुआ रहता है तो फिर से हम लोग लेजर क्रिएट नहीं करते, हम लोग लेजर को सिर्फ सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे SBI बैंक है, इसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और नीचे में यहाँ पे इससे हम लोग जो जो सामान खरीद रहे हैं अब उसका लेजर हम लोग को क्रिएट करना होगा, क्योंकि कंपनी बिल्डिंग का लेजर नहीं बना हुआ है, तो उसको बना लेंगे हम लोग, अल्ट सी प्रेस करेंगे, और हम लोग कहाँ आ जाएंगे, लेजर क्रिएशन स्क्रीन में, यहाँ पे कंपनी बिल्डिंग बनाएंगे, ये फिक्स एसेट है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा ग्रुप लेंगे, फिक्स एसेट का, और फिर इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे जैसे कंपनी बिल्डिंग आ जाएगा तो अमाउंट हम लोग कहाँ लिखेंगे,
यहाँ पे लिख देंगे जितना का है ये। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट वाला जगह में हम लोग अल्ट सी प्रेस करेंगे, कंप्यूटर का लेज़र बनाएंगे, और उसके बाद में फिर कंप्यूटर का जो अमाउंट है उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग फिर प्रिंटर भी बनाएंगे, और फिर प्रिंटर का जो अमाउंट रहेगा उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, और फिर इस वाउचर को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी एंट्री हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ₹24,000 पेड बाय कैश फॉर ऑफिस रूम एज ए सिक्योरिटी। मतलब क्या है कि एक रूम हम लोग ले रहे हैं रेंट में, हम लोग मतलब कंपनी ले रहा है रेंट में, और इसके लिए कुछ एडवांस पेमेंट करना पड़ रहा है ₹25,000। दैट मीन्स एज ए सिक्योरिटी जो हम लोगों को ये रूम दे रहा है वो हम लोगों से ₹25,000 बोल रहा है, भैया आप थोड़ा एडवांस दे दीजिए तब जाके आपको ये रूम किराए पे मिलेगा, रेंट पे मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का एंट्री तो देखिए पेमेंट वाउचर में होगा क्योंकि यहाँ पे पेड दिया गया है। अब रहा सवाल कि एक लेजर तो कैश का अफेक्टेड हो रहा है जी, क्योंकि यहाँ से 25,000 कैश जा रहा है। किस लिए जा रहा है? क्योंकि हम जिस बंदा से ये रूम ले रहे हैं उसको हम एज ए ऑफिस रूम सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऑफिस रूम सिक्योरिटी डिपॉजिट का एक लेज़र क्रिएट होगा, और ग्रुप क्या होगा? ग्रुप हम लोग डिपॉजिट एसेट्स लेंगे, डिपॉजिट एसेट्स का बनाएंगे, मतलब सेलेक्ट करेंगे। देखिए हम लोग पेमेंट वाउचर में जाएंगे, और उसके बाद में ऊपर में तो हम लोग कैश सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि पैसा कहाँ से कट रहा है? कैश से। पेमेंट का मैंने आपको बताया है कि पैसा जहाँ से कटेगा वही वाला चीज़ हम लोग ऊपर लिखेंगे, ठीक है। दैट मीन्स ऊपर में कैश का लेजर आएगा या तो फिर बैंक का ही लेजर आएगा पेमेंट वाउचर का, जब भी हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद में अब रहा सवाल कि यहाँ पे जो लेज़र बनाएंगे हम लोग वो क्या बनाएंगे? ऑफिस सिक्योरिटी डिपॉजिट का। तो अल्ट सी करेंगे हम लोग क्योंकि अभी लेज़र बना हुआ नहीं है। अल्ट सी करके हम लोग जाएंगे, और यहाँ पे देखिए लेज़र का नाम मैं यहाँ पे लिखा हूँ ऑफिस रूम सिक्योरिटी डिपॉजिट, और इसके लिए मैंने ग्रुप लिया है डिपॉजिट एसेट्स का, और फिर इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अमाउंट डाल देंगे जितना हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रॉट फर्नीचर फॉर कंपनी ऑफ ₹10,000 फ्रॉम रमेश शॉप ऑन क्रेडिट। मतलब अब ये वाला के लिए कौन सा वाउचर सेलेक्ट करेंगे हम लोग? तो इसका भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, कंपनी क्या कर रहा है, अभी एक कुछ फर्नीचर लेके आ रहा है कंपनी में आ रहा है, बट इसके बदले में पैसा जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो इसका एंट्री हम लोग पेमेंट वाउचर में नहीं कर सकते, क्योंकि पेमेंट वाउचर का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब पैसा वहाँ से डिटेक्ट होगा, कटेगा पैसा, है ना, कंपनी का पैसा जाएगा। अभी कंपनी का पैसा जा नहीं रहा है क्योंकि इस बंदे से हम लोग उधारी में सामान ले रहे हैं। किसमें ले रहे? उधारी मतलब क्रेडिट में ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग इस बंदे का नाम लिखेंगे कि इस बंदे को हम लोग को पैसा देना है, और जिस बंदे से हम लोग पैसा उधारी ले सामान उधारी में लेते हैं उसको सिंडिकेटर्स बोलते हैं। और जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है, कोई ऐसा देखिए ये जो है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि फर्नीचर जो है वो क्या है? वो आपका एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है। क्या है? फिक्स एसेट्स ले रहे हैं हम लोग, है ना, फिक्स एसेट्स हम लोग परचेस कर रहे हैं। तो जब उधारी में फिक्स एसेट हम लोग परचेस करते हैं तो हम लोग जनरल वाउचर का यूज़ करेंगे। देखिए जनरल वाउचर, ठीक है, जनरल वाउचर का स्क्रीन इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे बाय में जो सामान हम लोग खरीद रहे हैं उसका लेजर यहाँ पे देंगे। तो लेजर बनाने के लिए उसी तरह से अल्ट प्लस सी दबाइएगा, आप लेजर क्रिएशन स्क्रीन में जाएंगे। फर्नीचर क्या होता है? फिक्स एसेट, ठीक है, तो लेजर का नाम फर्नीचर और ये फिक्स एसेट्स है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ग्रुप इसके लिए फिक्स एसेट लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और इसके आगे में जो अमाउंट था 10,000 वो हम लोग लिख देंगे, और नेक्स्ट टू, उसके बाद बाय के बाद यहाँ पे आप टी प्रेस करिएगा तो ये टू आ जाएगा, और यहाँ पे फिर से हम लोग लेजर क्रिएशन करेंगे अल्ट सी दबा के, ठीक है। किसका लेजर बनाएंगे? जिस बंदे से हम लोग ले रहे हैं उसका दुकान का नाम, उसका नाम, ठीक है, जो रहेगा वो देंगे। यहाँ पे दुकान का नाम है पकड़ के चलिए रमेश शॉप, ठीक है,
और ये बंदा कौन है? ये हमारा सेंडिक्रेटर्स है, क्योंकि इससे हम लोग सामान उधारी में लेते हैं। तो जिससे हम लोग सामान उधारी में लेते हैं, जब उसका लेजर हम लोग क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए ग्रुप का कौन सा चयन करेंगे? सेंडिक्रेटर्स ग्रुप का हम लोग चयन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये अमाउंट जो था यहाँ पे, जो अमाउंट डेबिट हुआ रहेगा वो यहाँ पे आपका क्रेडिट हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे, और फिर इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ये एंट्री भी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ऑनर विड्रो 10,000 फॉर पर्सनल यूज, समझिए बात। तो इसको भी देखिए, अब क्या हो रहा है कि जिस प्रकार से एक ऑनर इन्वेस्ट किया था तो कैश अकाउंट में पैसा गया था, अब क्या हुआ कि इसी कैश से ऑनर कुछ पैसा विड्रो कर रहा है अपना पर्सनल यूज के लिए, चाहे वो कुछ भी खरीद रहा हो, लेकिन वो जो सामान खरीद रहा है उसको कंपनी से कोई मतलब नहीं है, वो अपना पर्सनल यूज के लिए ये पैसा विड्रो कर रहा है, ठीक है। तो पैसा कंपनी का जा रहा है, तो सिंपल सा बात है कि हम लोग कौन सा वाउचर का चयन करेंगे? पेमेंट वाउचर का चयन करेंगे। इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा अभी जा रहा है, और ले कौन रहा है? ऑनर पैसा ले रहा है, ठीक है ना। अब ऊपर में तो कैश का लेजर आएगा, ठीक है। अब नीचे में जो लेजर आएगा वो क्या होगा? वो होगा आपका ड्राइंग अकाउंट। जिस प्रकार से जब ऑनर पैसा दिया था तो हम लोगों ने एक लेजर बनाया था एक्स वाई जेड कैपिटल का, उसी प्रकार से अब ऑनर पैसा ले रहा है। तो ऑनर जब पैसा विड्रो करता है अपना पर्सनल यूज के लिए, तो उसके लिए हम लोग ड्राइंग अकाउंट का लेजर क्रिएट करते हैं, और ड्राइंग अकाउंट्स भी कैपिटल अकाउंट्स में आता है, ड्राइंग भी कैपिटल अकाउंट्स में ही आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ग्रुप क्या रखेंगे? कैपिटल अकाउंट का। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग वो अमाउंट लिख देंगे जितना ऑनर हम लोग से ले रहा है, मतलब हम लोग से नहीं, कंपनी से विड्रो कर रहा है 10,000, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे पेड 2,000 फॉर इलेक्ट्रिक बिल, सिंपल है, फिर पैसा जा रहा है, कंपनी का पैसा था, इससे क्या हो रहा है? कैश जो है वो जा रहा है, कितना जा रहा है? 2,000 रुपया। किस चीज़ के लिए जा रहा है? इलेक्ट्रिक बिल के लिए। तो आप पैसा जब भी जाएगा पेमेंट वाउचर में, ऊपर तो जहाँ से पैसा जाता वही देते, तो यहाँ पे कैश का लेजर आएगा, देखिए कैश का लेजर आएगा, और नीचे पैसा क्यों जा रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, तो नीचे यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। अल्ट सी करेंगे, लेजर क्रिएशन में जाएंगे, और यहाँ पे लेजर का नाम इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, और ये एक्सपेंस हो रहा है, पेड कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और जो अमाउंट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेड कर रहे हैं उसको हम लोग यहाँ लिख के इस वाउचर को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये एंट्री भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विड्रो 2 लाख फ्रॉम SBI बैंक। अब क्या हो रहा है देखिए, अभी कंपनी का जो कैश पैसा था ये बैंक में जमा किया था, अब कंपनी को कुछ पैसा जरूरत है कैश में, तो वो बैंक से विड्रो कर रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी बैंक और कैश के बीच में ट्रांजेक्शन होता है तो हम लोग काउंट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं। कौन सा वाउचर का? काउंट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग कौन सा वाउचर यूज़ करेंगे? काउंट्रा। अब रहा सवाल कि ऊपर में हम लोग कौन सा लेजर लेंगे, तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, पैसा जहाँ जा रहा है वो लेजर ऊपर होता है। तो अभी पैसा कहाँ जा रहा? बैंक से कैश में आ रहा, मतलब पैसा जा कहाँ रहा? कैश अकाउंट में जा रहा। तो ऊपर में क्या होगा? कैश अकाउंट का लेजर बनेगा, नहीं मतलब सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कैश का तो बना हुआ रहेगा, है ना, और SBI का भी बना हुआ है, क्योंकि हम लोग जब डिपॉजिट किए थे तो उस वक्त हम लोग SBI का बैंक का लेजर बनाए थे। तो नीचे में हम लोग SBI बैंक का लेजर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जितना पैसा हम लोग निकाल रहे हैं बैंक से वो यहाँ लिख के एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये भी एंट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रमेश शॉप से हम लोग उधारी में सामान लिए थे ना, अब उसको 10,000 हम लोग पेमेंट कर दे रहे हैं, पेड कर दे रहे हैं। तो फिर पेड कर रहे हैं, दैट मीन्स कौन सा वाउचर आएगा? पेमेंट वाउचर आएगा। और ऊपर में क्या होगा? कैश पेमेंट कर रहे हैं तो ऊपर में कैश आएगा, ठीक है, ऊपर में हमारा कैश आएगा, देखिए यहाँ पे कैश आएगा, ठीक है। और नीचे में यहाँ पे हम लोग रमेश शॉप,
अब रमेश साहब का लेजर हम लोग बनाएंगे नहीं, क्योंकि पहले से बना हुआ है। जब हम लोग जनरल एंट्री पास कर रहे थे उस वक्त हम लोग रमेश साहब का लेजर क्रिएट किए थे। बस हम लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और जो अमाउंट हम लोग को देना था वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और फिर एक्सेप्ट करेंगे। तो उस प्रकार से ये क्वेश्चन का एंट्री भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में आप गेटवे ऑफ टैली में रह के डिस्प्ले ऑप्शन में जाइएगा, डिस्प्ले ऑप्शन में जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद डिस्प्ले में जाने के बाद में ट्रायल बैलेंस आपको दिखाई देगा सबसे ऊपर में, ठीक है। और उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस में ओपन करेंगे तो इस प्रकार से सारा अमाउंट जो होगा आपको डिस्प्ले होगा। आप फिर अल्ट F1 प्रेस करिएगा, अल्ट प्लस F1 प्रेस करिएगा तो पूरा का पूरा ये जो है आपको डिटेल में नज़र आएगा इस प्रकार से, देखिए, ठीक है। आपका ट्रायल बैलेंस जो रहेगा पूरा इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप भी एक बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और ये जो यहाँ पे अमाउंट है इसके साथ मैच करिए, ठीक है। और अगर ये समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।